गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे जितने भी खाद्यान्न हैं उनकी स्टेट में फर्स्ट रैंक किस किस राज्य की है। ये आपका करंट डाटा है 2019-20 का, ठीक है। ये करंट डाटा है 2019-20 का, जितने भी डाटा अभी तक आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चावल। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये विभिन्न परीक्षाओं में एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद हम देखते हैं गेहूँ। गेहूँ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम आते हैं मक्का पे। मक्का का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो है कर्नाटक। मक्का का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटक है। इसके बाद हम आते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। मोटे अनाज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? आपका राजस्थान में होता है। उसके बाद आते हैं अरहर। अरहर आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। अरहर और मक्का दोनों कर्नाटक में हैं, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मक्का के साथ अरहर बोई जाती है, ठीक है। तो दोनों कहाँ पे है? कर्नाटक। उसके बाद चना। चना आपका है मध्य प्रदेश। चना में सबसे ज़्यादा चने का जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। इसके बाद आ जाते हैं दलहन। तो दलहन में भी आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चना और दलहन में मध्य प्रदेश है फर्स्ट स्थान। उसके बाद आते हैं कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न में किसका स्थान आता है? उत्तर प्रदेश का आता है, ठीक है। तो अब हम एक बार और देख लेते हैं। चावल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है पश्चिम बंगाल करता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। उसके बाद आते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है राजस्थान करता है। उसके बाद आते हैं अरहर या तूर, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा करता है? कर्नाटक करता है। उसके बाद चना। चना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद आते हैं सभी दलहन, मध्य प्रदेश। उसके बाद कुल खाद्यान्न जो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखते हैं मूँगफली। मूँगफली का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट करता है? तो मूँगफली का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, ठीक है। मूँगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, ठीक है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। सभी तिलहन ये आपका मध्य प्रदेश है। सभी दलहन और सभी तिलहन ये सबसे ज़्यादा किसका है? मध्य प्रदेश का है। उसके बाद गन्ना। गन्ना अपना उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद कपास आता है, काटन। ये कौन सा आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आते हैं जूट पे। जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल करता है। जूट का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल। और सब्जी में भी पश्चिम बंगाल का ही प्रथम स्थान है। सब्जी में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है पश्चिम बंगाल का। और फल में आते हैं, फल में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फल में जो है आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में है, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मूँगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? गुजरात स्टेट पैदा करता है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। सभी तिलहन आपका मध्य प्रदेश में है। गन्ना उत्तर प्रदेश में है। कपास महाराष्ट्र में है। जूट पश्चिम बंगाल है। सब्जियां पश्चिम बंगाल है। फल आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है आपका? कुल खाद्यान्न में नंबर एक पे है और गेहूं पे है नंबर एक पे और गन्ना पे। उत्तर प्रदेश में तीन चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, पहला। दूसरा है गेहूं में, गेहूं की प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है। तीसरा आपका, पहला कुल खाद्यान्न, गेहूं, दो चीज़ों में नंबर एक पे है।
ठीक है, गन्ना तीसरा है आपका, गन्ना। तीन चीज़ों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ओके, थैंक यू।